नमस्कार। हरियाणा की अगर कुछ सबसे बड़ी हाइलाइटेड खबर रह सकती है तो वो है हिसार शहर का बंद होना। जी हाँ, तस्वीरें दिखा दूं पीछे की, जहां पर मौके पर आपको सभी दुकानों के शटर लगे मिलने वाले, चाहे कितना बड़ा शोरूम हो, चाहे क्यों ना स्टाइल चेक यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे एलन सोली, लंडन बेरी, ऐसे बहुत सारे आगे तो शोर है, बहुत सारी दुकानें हैं, सब पर शटर लगा दिया गया है और सभी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बार लोगों के मन में यह था कि पूरा हिसार शहर वास्तव में बंद होने वाला है, सवाल लगातार किए जाते, बल्कि आज सुबह सुबह मेरे पास से लगभग 7-8 बजे करीब इतनी कॉल, इतने मैसेज भी आए जिस दौरान यह सवाल किया गया कि सच में इस साल बंद रहने वाला है। तो आज वही छवि दिखाने के लिए पहुंची हूँ आज एक ऐसी जगह पर जहां पर मौके पर बहुत सारे लोग नजर आते हैं और पूरा समर्थन नजर आता है इन सभी लोगों का। ये बातचीत जो है कर लेंगे, क्या कुछ माहौल जो है फिलहाल बना हुआ है। सर नमस्कार। कहां से कहां तक बंद करवाने का काम जो है सुबह से आप लोग लगातार कर रहे हैं और लोगों का समर्थन किस तरीके से मिल रहा है? हमारी ड्यूटी व्यापार मंडल की तरफ से लगी हुई है, डाबड़ा चौक से इधर का जो शहरी एरिया है, डाबड़ा चौक है, सेक्टर 13 मार्केट है, MCDC कॉलोनी है, ये आर्मी स्टेट के शोरूम है, जिंदल चौक का एरिया है, मॉल्टन मार्केट है, मॉल्टन की मार्केट है, ये एरिया है। तो क्या सारे लोग जितने भी हैं वो समर्थन कर रहे हैं पूरे तरीके से? क्योंकि काफी जगह ऐसी भी है जो अभी हम गुजर कर आए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खुली हैं अभी। देखो जी, जैसा नहीं कहते, अकेला चुनाव बाहर नहीं पड़ता, तो हम अकेले कुछ नहीं करते, लोगों का सहयोग, इसलिए पूरी मार्केट बंद हुई। अभी भी काफी जगह ऐसी है जो देखने को मिल रही है, अभी यहाँ से गुजर कर आए हैं, वहाँ भी दो दुकानें खुली है। कोई जरूरी चीज है, कोई एक आध दवा की दुकान खुली हो सकती है, या कोई जैसे दूध दही थी जो जरूरी चीजें हैं मूलभूत सुविधा की, वो हो सकती है, बाकी सब देख लो पूरा कम्प्लीटली बंद। चलिए सर, आप मुझे बताइए माहौल देखकर क्या लग रहा है? क्या ये जो बंद करने का, ऐतिहासिक बंद करने का आप लोगों ने सोचा था, कुछ अवेयरनेस इससे जागेगी भी या फिर नहीं जागेगी? बिल्कुल जागेगी, पूरा प्रशासन इससे चेताएगा, प्रशासन को पता लग जाएगा, पूरा शहर एकजुट है, जब तक एकजुटता नहीं दिखाएंगे तब तक प्रशासन कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल। चलिए जितेंद्र शिवराम जी, आप मुझे बताइए माहौल देखकर आपको क्या लगता है आज क्या होने वाला है? क्या सभी लोगों ने पूरी तरीके से दुकानें बंद कर दी? अभी भी कुछ लोग जो है नजर आ रहे हैं। देखिए, हर शहर के हर एक वर्ग में इन डकैती, लूटपाट, गोलीबारी, फिरौती की घटनाओं से लेकर के भारी रोष है। और आप देख सकते हैं आज कि सारा बाजार, पूरे हिसार के सारे बाजार बंद हैं। अभी आप पीछे बड़े भाई साहब से पूछ रहे थे कि कुछ की दुकानें खुली हैं, वो कोई डेली नीड की या कोई जरूरत के मुताबिक, किसी को इमरजेंसी पड़ गई उनके लिए कोई खोल रहा है तो साथ ही साथ बंद भी कर रहा है। और अगर कोई एक दो शोरूम खुले हैं तो वो जो कंपनी के अधीनस्थ चल रहे हैं वो भी अपने ऊपर बात करके, मैनेजर वगैरह स्टाफ से बात करके, वो भी अपने बंद कर रहे हैं। आप थोड़ी देर तक देखिए, अभी इस मार्केट को देखिए आप, ये पूरी की पूरी मार्केट बंद है। और ये जो बंद है ये एक बहुत बड़ा असर करने वाला है अपराधियों के ऊपर, और शहरवासियों की जो एकजुटता उनको आज दिखाई देगी उससे अपराधी इस शहर की तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे। जिस तरीके से लगातार 3-3 कॉल आ चुकी है, क्या लगता है इस शहर जो है सुरक्षित है? देखिए, सुरक्षित तो है, पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आम जनता व्यापारी भाइयों के साथ खड़ी है, हम साथ खड़े हैं। चलिए सर, आप मुझे बताइए खुद कैसा महसूस कर पा रहे हैं? खुद सेफ महसूस कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे? आप देख लीजिए, क्या सेफ महसूस होता तो बाजार क्यों बंद होता सारा, और सारा शहर साथ है जी। और बिल्कुल आप देखो, DCMC कॉलोनी मार्केट बिल्कुल बंद है, आप गए भी होंगे प्रॉपर तरीके से, और बाजार सारा बंद है, हम व्यापार मंडल के साथ है जी। अच्छा, आज कितने बजे तक बंद रहने वाला है? सुना है पेट्रोल पंप भी आप लोग पेट्रोल नहीं ले सकते हैं? हाँ जी, पेट्रोल पंप वगैरह सब बंद है जी, वो भी हमारे समर्थन में आगे व्यापारियों के। ठीक है, तो 5 बजे तक तो संपूर्ण बंद है जी। ठीक है, चलिए सर, आप लोग भी यहाँ पे मौजूद है, आप भी यहीं के व्यापारी होंगे, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है, खुद को आप सेफ महसूस कर पा रहे हैं या फिर नहीं? कोई सेफ नहीं है जी, पूरा गुंडागर्दी हो रही है बिल्कुल, कोई आम आदमी भी सेफ नहीं है, पूरा व्यापारी बंद है और हम इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। 3-3 फिरौती की मांग ली गई है, इसके अलावा मैंने सुना है ये तो सिर्फ जो हाइलाइटेड मामले है, इसके अलावा 22-23 फिरौती की मांग की गई है। इस बात में कितनी सच्चाई देखिए वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन लगातार इस तरह की वारदातें, क्या लगता है आम जनता जो है किस तरीके से जी पाएगी यहाँ पर? बिल्कुल, 3-3 वारदात हो चुकी है जी, बिल्कुल हम उनके साथ है और कोई भी सुरक्षित नहीं है पूरा। ठीक है, चलिए चलिए सब, कोई मैसेज जो आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे भी जो हैं, क्या बोलते हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं लेकिन समर्थन करने में थोड़ा समय लगा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज जो है डिलीवर करना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही कहूँगा कि हर व्यापारी भाई को निडर होकर और जो ये गुंडागर्दी है इसका विरोध करना चाहिए। हम सभी वर्ग, सभी जातियाँ जो सामान्य लोग हैं, जैसे हम सामान्य हैं, हम कोई व्यापार में नहीं है, हम सब साथ दे रहे हैं इनका, तो इनको बिल्कुल निडर हो गए, बिल्कुल मुखर हो गए, अपनी बात रखनी चाहिए शासन प्रशासन के सामने। और परसमी इन्होंने जो है ना, जैसे पुलिस को कहते हैं, व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी जो तुरंत
दस मिनट में अवेलेबल है, तो इन लोगों को बताना चाहिए चुपके से किसी को कोई मंथली वगैरह पैसे ना दें, और ये प्रशासन के सामने या व्यापार मंडल के सामने ये बात रखनी चाहिए। निडर होकर सब व्यापारी भाइयों के साथ हम खुले दिल से साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए फिलहाल जी जी ये सरकार फेल है। अच्छा, जनता गुंडों को सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। चलिए, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरी तरीके से दुकानें बंद कर दी, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? होने वाला नहीं, बहुत कुछ होगा। होगा, अभी होगा, देखना बाकी है। हाँ, बाकी है। चलिए फिलहाल माहौल दिखा दूं जहाँ पर आपको दूर दूर तक सारी दुकानें नजर आने वाली है। सारी दुकानों पर शटर लग चुका है जी। आज चाहे मैं बात कर लूँ वहाँ पर शुरुआत सैनी स्वीट्स की, या फिर बात कर लूँ लास्ट जिंदल चौक की उस दुकान तक जहाँ तक आपकी नजरें दौड़ने वाली है, वहां तक पूरी तरीके से चारों तरफ शटर लगा दिए गए हैं और चारों तरफ सारी दुकानें बंद कर दी गई है। लेकिन क्या लगता है कितना एक असर जो है पड़ने वाला है? सुनने में तो ये भी आया कि अगर इस तरह से काम नहीं चला तो पूरा हरियाणा बंद करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। तो क्या लगता है इनसे कुछ अवेयरनेस फैलेगी? आप लोग मानते हैं? अगर आप लोग मानते हैं तो आपकी राय रख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना भूलें, बने रहें मेरे साथ।